सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। जसपाल और रोजी पार्टनर है, जसपाल और रोजी दोनों पार्टनर है, कैपिटल कितनी लगा रखी है? 10 लाख और 5 लाख। जसपाल ने कितनी लगाई है? ये 10 लाख। और रोजी ने कितनी लगा रखी है? 5 लाख लगा रखी है। ठीक है जी। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। जसपाल कहता है कि मेरे को जो प्रॉफिट है ना वो किस रेशियो मिलना चाहिए? अपनी कैपिटल रेशियो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने 10 लाख डबल पैसे आपसे लगा रखे हैं रोजी से ज्यादा। लेकिन रोजी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती जो जसपाल के द्वारा बोला गया प्रॉफिट के रिगार्डिंग। और रोजी क्या कहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एक्सप्लेन करो हाउ रोजी वुड बी कन्विक्टेड जसपाल फॉर शेयरिंग। तो एक्सप्लेन करो रोजी वुड हैव कन्विंस जसपाल फॉर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस जो भी है इक्वल डिवाइड करने के लिए। तो भाई ऐसे कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि जब भी हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात है कि जब हम डीड नहीं बनाते, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो उस केस के अंदर कुछ जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं। उस फीचर के अंदर एक प्रॉफिट का फीचर है। अगर आप डीड के अंदर प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आपको वो कैसे कह सकते हैं? एज पर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कन्विंस किया जा सकता है कि आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो 1/1 रहने वाली है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।